बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई में आज से इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। 28 पार्टियां इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। दो दिन तक ये बैठक चलेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही इंडिया संयोजक और लोगो भी आज इस बैठक में तय हो सकता है। दो दिनों तक के लिए बैठक चलने वाली है। काफी खास ये बैठक रहने वाली है और हर किसी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता आज मुंबई में रणनीति बनाएंगे। इसमें इंडिया गठबंधन के संयोजक के साथ दिल्ली में एक सचिवालय यानी कि ऑफिस स्थापित करने के साथ राज्यों में परस्पर विरोधी दलों के बीच सीटों को लेकर कैसे समन्वय स्थापित किया जाए और उसका क्या कुछ फॉर्मूला होगा ये भी तय हो सकता है। इन सब मुद्दों पर आज चर्चा होगी। और बता दें कि बैठक में 20 पार्टियों के 68 नेता इस तीसरी बैठक में भाग लेंगे। 28 पार्टियां कुल हालांकि बताई जा रही हैं इस बैठक में जो शामिल होंगी। इंडिया की बैठक में शामिल होंगे सीएम केजरीवाल। आज मुंबई रवाना होंगे सीएम केजरीवाल। दोपहर 2:30 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे। शाम 4:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 2:30 बजे इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। 4:30 बजे वो मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राघव चड्ढा भी साथ होंगे। और जिस तरीके से दूसरी बैठक जब हुई थी, दूसरी बैठक के बाद अब तीसरी बैठक के बीच में कई तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही थी और लगातार बयान सामने आ रहे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा इस बैठक में देखने वाली बात होगी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता नीलेश। देखिए, दो दिन के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2:30 बजे बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो जाएंगे। सबसे पहले बताइए कि बैठक का शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है। जी बिल्कुल, इससे पहले दो ठिकानों पर इंडिया दल की बैठक हुई जिसे बहस शक्ति प्रदर्शन के रूप में माना जा रहा था, लेकिन अब जब ये तीसरी बैठक मुंबई पर आयोजित है, मुंबई के सांताक्रूज इलाके में आयोजित है, तो ऐसे में जो सभी विपक्षी दल हैं वो मजबूती से अपना जो पक्ष है वो रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के स्केड्यूल की बात करें तो करीबन 10 बजे से जो अलग अलग नेतागण हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उससे करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्रैंड हयात होटल स्थित है। 10 मिनट की दूरी तय करते हुए वो इस होटल में पहुंचेंगे और उसके शाम तक करीबन 6:30 बजे तक जो निर्धारित समय रखा गया है उस वक्त तक सभी जो नेतागण हैं विभिन्न पार्टियों के, करीबन 28 पार्टियों के जो नेतागण हैं उनके आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और उसके बाद देर रात करीब 8 बजे तक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से जो डिनर है वो होस्ट किया गया है और उसके बाद जो इनफॉर्मल मीटिंग का दौर है वो जारी रहेगा। तो इस प्रकार का जो स्केड्यूल है वो आज के लिए तय किया गया है। अब इन स्केड्यूल में जो अन्य अहम मुद्दे जो हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं कि लोगों को लेकर चर्चा होगी, यानी कि इंडिया के लिए अब हम कैसे लोगों के बीच पहुँचे, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें और इसके वो इंडिया गुट का, इंडिया दलों का तय किया जाएगा। और उसके बाद संभावित है कि कल होने वाली बैठक को लेकर जो प्री मीटिंग होती है वो भी आज होगी। अब इस मीटिंग के लिए कई सारे मुद्दे जो हैं वो अलॉट किए गए हैं, चाहे वो स्पोक्स पर्सन की नियुक्ति हो या फिर एक ऐसी मैनेजमेंट टीम का गठन करना हो जो कि रिसर्च के ऊपर काम करे, आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करे, या आखिर वो कौन से अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा सके। तो ये जो पूरा स्केड्यूल है, करीबन वक्त बताया जा रहा है कि 4:30 बजे के करीब राहुल गांधी और अपनी माता सोनिया गांधी के साथ वो भी मुंबई पहुंचेंगे और इसी दरमियान अन्य जो नेतागण हैं, क्योंकि 28 दल जो हैं वो लगातार पहुंचने वाले हैं। बीते दिनों हमने देखा कि कैसे लालू यादव पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, आज अन्य जो नेतागण हैं उनकी उपस्थिति यहां पर पहुंचने वाली है। तो एक अगर रफ डेट समय की बात करें तो 10 से लेकर 6:30 बजे तक का वो समय रखा गया है जब अलग अलग पार्टी से जो नेतागण हैं वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से करीबन 10 से 15 मिनट की दूरी तय करते हुए वो ग्रैंड हयात पुत्र पहुंचेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि देखिए, दूसरी बैठक और ये होने वाली तीसरी बैठक के बीच में कई तरह के बयान सामने आए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, सीटों को लेकर थोड़ी थोड़ी हलचल जो है लगातार देखने को मिली है। इस बैठक में जो वो हलचल हुई थी उसके बाद कैसा कुछ रुख रहने वाला है आम आदमी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी, क्योंकि देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा घमासान अक्सर देखने को मिलता है।
जी बिल्कुल, ये एक सबसे बड़े अहम बिंदु जो है वो इस पूरे मीटिंग को लेकर नज़र आ रहे हैं, पहले दिन से नज़र आ रहे हैं। भले ही जो इंडिया अलायंस है वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो एक समान हो चुकी है, और वो है कि केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ना और जनता के मुद्दों को लेकर, उनके हितों को लेकर पहुँचना। लेकिन इस बीच जो डिफरेंसेस हैं, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो ज़रूर खुलकर सामने आ रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी द्वारा सबसे पहले कहा गया कि वो अरविंद केजरीवाल को पीएम के चेहरे के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब प्रतिक्रिया अन्य विपक्षी दलों की तरफ से देखने मिली, उस चाहे वो कांग्रेस हो या उद्धव बाला साहब ठाकरे हो या एनसीपी हो या ममता बनर्जी हो, उसके बाद कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है की गई, और ये कहा गया कि हम अरविंद केजरीवाल को एक चेहरे के रूप में देखते हैं और संभवतः उनके साथ अन्य जो चेहरे हैं उनको लेकर विकल्प जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन ये एक ज़रूर अहम मुद्दा रहने वाला है कि सीट शेयरिंग का क्या होगा आखिर, क्योंकि भले ही सभी दल एक साथ आ चुके हैं लेकिन क्या सीटों को लेकर भी एक खास रणनीति तैयार होगी? क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर एमवीए द्वारा ये पहले जताया गया है कि सभी जो दल हैं वो अपने अपनी सीटों पर ज़रूर लड़ेंगे, और जो मजबूत दल जहाँ पर होगा, जिसकी सीट निश्चित होगी, वहाँ वो दल लड़ेगा और उसके बाद सभी एक साथ आएंगे और मौजूदा सरकार को हराएंगे। तो क्या यही रणनीति, क्या एमवीए सरकार, एमवीए दलों की यही रणनीति इंडिया दल भी अपनाता है या नहीं, या उसको लेकर एक अलग रणनीति जो है वो तय की जाएगी? क्योंकि अब तक जो संयोजक के चेहरे हैं वो भी नहीं चुने जा सके हैं, या और ऐसे में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कितना ज़्यादा पेचीदा होगा, इस पर सभी की नज़रें जो है फिलहाल बरकरार हैं। बिल्कुल नीलेश, इसी के साथ हमने देखा कि इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। पटना में जब बैठक हुई तो 16 पार्टियां शामिल हुई, उसके बाद जब बैंगलोर में बैठक हुई तो 26 पार्टियां शामिल हुई, और अब मुंबई में 28 पार्टियां इस बैठक में शामिल होने वाली हैं। और कितना ये कुनबा बढ़ सकता है इंडिया गठबंधन का? जी, यही एक कारण है कि इंडिया का जो दल है वो बेहद ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार उनके द्वारा कहना है कि जैसे जैसे इंडिया की बैठकें हो रही हैं वैसे केंद्र सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है, और जो अन्य रीजनल पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तैयार हो रहा है कि कोई एक ऐसा दल आखिरकार जुड़ रहा है जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार कर सके। और यही कारण है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो लगातार इंडिया गुट के साथ जुड़ती जा रही हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की दो जो रीजनल पार्टियां हैं वो इंडिया को अब तक समर्थन देती नजर आ रही हैं। हालांकि शरद पवार, आप नजर तमाम हरकतों पर बनाए रखिए, क्योंकि ये काफी अहम जरूरी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, और अपडेट हम समय समय पर आपसे इस पर लेते रहेंगे।